एबल लियन को गले लगा के सो गया था और लियन उसके बारे में सोच रही थी कि वो जिससे भी प्यार करता था उन सबको खो दिया और वो अपनी मर्जी से ग्रीन रिपन नहीं बना था। 16 के लाल धागे, वो जितने ज्यादा किसी की बॉडी से जुड़े हुए होंगे उतना ज्यादा वो पर्सन मौत के करीब होगा। लेकिन सेंट लूसिया जो ओरिजिनल नॉवेल की हीरोइन है उसके पास कोई भी 16 का लाल धागा नहीं था, मतलब कि वो इमोर्टल थी। उसी वजह से ही एबल को सेंट लूसिया से प्यार हुआ था। ये सोचते हुए लियन झटके से उठती है कि रुको, इसका मतलब कि क्या मैं भी इमोर्टल हूँ? एबल भी जाग गया और उसे बुला रहा था तो लियन उसे पूछते है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? एबल जैसे तैसे बोल पा रहा था और बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि इंसान मुझसे दूर मत जाओ, गायब मत हो जाना। लियन ने देखा कि उसकी पूरी बॉडी तो आग की तरह जल रही है और वो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं कहीं पे भी नहीं जाऊंगी, तो मेरा हाथ छोड़ दो ताकि मैं तुम्हारे इस बुखार का कुछ कर पाऊँ। लेकिन एबल उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था और कहता है कि अब मैं खुद को कोई भी चोट नहीं लगने दूंगा, तो प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। लियन उसके पास लेट गई और कहती है कि हाँ ठीक है, मैं यहीं पे ही रहूंगी। और वो विस्पर करती है कि बस थोड़ी देर रुको, तुम्हें बचाने वाली जल्दी आ जाएगी। और वो बाकी का मन में बोलती है कि लूसिया जब तक नहीं आती तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें हील करूंगी। फिर सुबह हो गई, बटलर एबल के रूम में आया ये पूछने के लिए कि ब्रेकफास्ट में उसे क्या चाहिए। तब वो एकदम ही शॉक्ड रह गया कि लियन भी एबल के साथ सो रही है। पूरे टेम्पल में ये बात फैल गई। जब वो दोनों बाहर गए तब एबल वो सारी बात सुनकर लियन को टीज करने की सोचता है। वो लियन को अपने करीब खींचता है और सबको सुनाई दे वैसे बोलता है कि कल हमने साथ में बहुत ही हॉट नाइट बिताई थी जिससे मुझे बहुत ही रिफ्रेश महसूस हो रहा है ना डार्लिंग। लियन तुरंत ही उसका मुंह कवर करती है कि एक और शब्द और तुम गए समझो। लेकिन सारे डेमन उसे देखकर बोलते हैं कि देखो वो बस अभी ही रूम से बाहर निकले हैं, फिर भी एक दूसरे से दूर नहीं हो पा रहे हैं। लियन चिल्लाती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर अगले सीन में एबल अपने ऑफिस में काम कर रहा था और सारे वक्त उसने लियन को भी अपने सामने बिठाए रखा और यहाँ तक कि उसका खाना भी यहाँ पर ही मंगवा लिया। तो लियन पूछती है कि ये क्या है? एबल कहता है बस यहाँ पर ही ऐसे बैठे रहना, तुम्हें बोरिंग लग रहा होगा ना। लियन गुस्से से टेबल पे अपने हाथ मारती है और चिल्लाती है कि ये अच्छी बात है कि तुम अब शिकार पे नहीं जा रहे हो और अपना ध्यान काम पे लगा रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे भी यहाँ अपने साथ लॉक करके रखो। एबल उसका चिन पकड़ता है और स्माइल के साथ कहता है कि क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। ये सुनते ही लियन ब्लश हो गई और चुपचाप फिर से जाके बैठ गई। एबल ने उसे सॉरी कहा था कि आई एम सॉरी कि मैंने फिर से खुद को चोट लगने दी। तो लियन सोच रही थी कि क्या वो सच में मेरी वजह से शिकार पे नहीं जा रहा है, और वो उठ के जानने लगी कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। लियन अभी एबल पूछता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो? लियन कहती है कि मैं बाहर ताजा हवा खाने जा रही हूँ, पूरे दिन यहाँ पे लॉक रहकर मेरे सर में दर्द हो रहा है। एबल तुरंत ही उठता है कि क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? लियन कहती है बस छोटा मोटा सर दर्द है, मुझे बस ताजा हवा खाने की जरूरत है।